हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, आज आपके लिए एक और डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये किसी ने फोटो भेजी थी मुझे इसकी। बेसिकली ये जो डिज़ाइन मैं बता रही हूँ, ये टॉप डाउन स्वेटर्स के लिए है। जो हम गले से बने हुए स्वेटर बनाते हैं उसके लिए ये डिज़ाइन है। क्योंकि आप ये देखेंगे, इसमें जो है हार्डली 12 फंदों से शुरू होता है और देखिए कितने फंदे पड़ गए इसमें। तो ये जो है, ये डिज़ाइन स्पेशली जो है, जो गले से बनने वाले स्वेटर्स बनते हैं उनके लिए है। तो उसमें ही डालिएगा आप इसे, देखिए उसी में डालिएगा। और इसे आप सर्कुलर निडल से बनाएंगे, तो जो मैंने इसमें उल्टी लाइन की है वो आप इसमें सीधी करेंगे, एक तो ये। और दूसरी चीज़, इसमें ऑटोमेटिकली फंदे बढ़ते जाएंगे, तो आपको फंदे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बढ़ते हुए जाएंगे। तो आप ये किसी के लिए भी इसे बना सकते हैं। और रही बात कि अब अगर आपने टीनेजर्स या उससे ऊपर वालों के लिए बनाना है, यानी कि 20 साल से ऊपर वाले के बच्चों के लिए बनाना है, तो कम से कम 12 फंदों का डिज़ाइन है, तो 120 फंदे डालेंगे, तो 10 डिज़ाइन इनमें इसमें जो है डालेंगे। उस हिसाब से आप 12 फंदों के हिसाब से जो 12 फंदे का डिज़ाइन है, क्योंकि इसमें कहीं भी बीच में एक फंदा सीधा या कुछ नहीं आता है, जस्ट डिज़ाइन रिपीट होता हुआ जाता है, तो आप उस तरीके से कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा फिर ये डिज़ाइन। तो चलिए देखिए, नॉर्मल वूल लिया है और 10 नंबर की जो है सिलाई पे आपको बता रही हूँ। हार्डली 12 फंदों का डिज़ाइन है जो आपको मल्टीपल करते हुए जाना है। अब ये चीज़ बता दूँ, ये किसी सब्सक्राइबर ने भेजा था मुझे। उनको बेसिकली है तो देखो ये लीव्स, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है टॉप डाउन बनाना है, यानी कि जो ऊपर से गले से बनते हुए बनता है उससे बनाना है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक लीफ दिखा रही हूँ जिसको आपने मल्टीपल करते हुए उसमें जाना है। 12 फंदों का डिज़ाइन है, मैंने इसमें 14 डाले हैं क्योंकि मैंने साइड पे एक एक फंदा रखा हुआ है। आपने वो फंदे नहीं रखने हैं क्योंकि आप टॉप डाउन अगर बना रहे हो। इसमें एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि ये सर्कुलर निडल में जब जो ये स्वेटर आप बनाओगे, सर्कुलर निडल में बनाओगे, तो जो उल्टी लाइन होती है, इसमें तो मैं उल्टी बनाऊंगी, लेकिन सर्कुलर निडल में अगर हम बनाते हैं तो उसे हम सीधा बनाते हैं। तो चलिए अब देखिए, स्टार्ट करती हूँ कि किस तरीके से बनेगा। पहला फंदा उतारेंगे, अब यहाँ से आपका जो है डिज़ाइन शुरू होना है। तो देखिए क्या करना है, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, यहाँ पे हमने जाली डालनी है। तो धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा, अगेन जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करा, और साथ में हमें इन 3 फंदों को 3 का 1 करना है। लेकिन कैसे, ये 2 फंदे आपने ऐसे उतारे इस तरीके से, इस फंदे को आपने बनाया, और जो 2 फंदे आपने उतारे थे वो आपने इस तरीके से करने हैं दोनों, और इसके ऊपर से ले जाने हैं। तो यानी कि देखिए 2 फंदे यहाँ पे बंद हो गए, 3 का 1 कर दिया। अब यहाँ से धागा आगे करके आपकी रिपीटेशन शुरू है, यानी कि जो मैंने 4 फंदे निट बोले थे, यहाँ से जो स्टार्ट किया था 4 फंदे सीधे बुनने को, यहाँ से आपने करना है धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे बुनने हैं। तो मेरे पास तो देखिए मैंने एक ही लीफ बनानी है, इसलिए एक फंदा रखा है। तो यहाँ से आपकी धागा अपनी तरफ करके ये जो है डिज़ाइन नेक्स्ट शुरू हो जाएगा इस तरीके से। अब पलट के ये लाइन पूरी उल्टी, हमेशा ये लाइन उल्टी जाएगी, और आपने अगर सर्कुलर नीडल में गोल जब बना रहे हो टॉप डाउन, तो वो आप सीधी करोगे। अब देखिए आगे हम थर्ड लाइन में, उल्टी लाइन हमेशा ऐसे ही करनी है आपने। अब थर्ड लाइन में आ गए, अब क्या करना है, ये तो उतारूंगी क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा फंदा रखा हुआ है। अब ये जो स्टार्ट है हमारा, वो हम 2 का 1 करना है, तो इसे इस तरीके से उतार के ऐसे रखिएगा, ऐसे देखिए, और इन 2 को आपने इकट्ठा बना देना है, 2 का 1 करना है। अब 2 फंदे सीधे बनाएंगे, यहाँ जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा सीधा, अगेन जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करके ये भी सीधा, अगेन जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करके ये भी सीधा बनाया, अगेन जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करके, ये 3 जाली, ये 4थी जाली है, 4 जा, ये जाली धागा आगे करने के बाद 2 फंदे सीधे बनेंगे, 1 और 1 2, 2 बनाए। अब इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है यहाँ से इस तरीके से, ऐसे फिर जाली डालनी है, और फिर वही इन तीनों को 3 का 1 करना है, वही क्रम वही रहेगा। ये 2 ऐसे उतारे, इसे बनाया, और जो 2 उतारे थे आपने उन्हें इसके ऊपर से ऐसे उतार देना है इस तरीके से, और यहाँ पे जाली डाल के 1 फंदा
ऐसे यहाँ से आपकी रिपीटेशन शुरू है, यानी कि जाली आप डालोगे तो रिपीटेशन शुरू करोगे आप, यहाँ पे जहाँ जो हमने यहाँ दो का एक किया वहाँ से शुरू करोगे ऐसे। अब आ जाइए, उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। चलिए आ गए अब हम फिफ्थ लाइन पे। अब देखिए क्या करना है, ये तो पहला फंदा है, उतारूंगी इसे। यहाँ पे वही करना है, दो का एक करना आपने इस तरीके से पहला फंदा उतार के। अब दो का एक करने के बाद दो फंदे सीधे बनाएंगे हम, एक और एक दो। फिर यहाँ पे हमने जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करके फिर से दो फंदे सीधे, एक और एक दो। अगेन जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ और दो फंदे सीधे, एक और एक दो। अगेन जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, दो फंदे सीधे। अब जो ये है, ये आपने दो का एक करना है यहाँ से ऐसे। फिर यहाँ पे वही तीन का एक होगा लेकिन जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ, इन दो को आपने उतारा, इसे आपने बनाया और ये जो दो आपने उतारे हैं इन दोनों को आप इसके ऊपर से उतार दोगे। ऐसे फिर यहाँ जाली डालनी है और रिपीटेशन आपकी शुरू हो जाएगी। आ जाइए नेक्स्ट लाइन, ये तो उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। हम सेवेंथ लाइन पे। अब देखिए करना यही है हमने, फिलहाल ऐसे ही जाली हम बनानी है और बीच में सेंटर में फंदे बढ़ाने हैं। ये बता देती हूँ आपको, सेवेंथ लाइन है, पहला तो ये ऐसे ही रखा है मैंने, उतारूंगी। अब ये दो का एक करना है, आपने ऐसे करके इस तरीके से दो का एक किया। अब यहाँ पे जो है आपकी दो फंदे सीधे बनेंगे, ये हमेशा इसी तरीके से होगा। फिर जाली डालनी है तो धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे सीधे बनाओगे, एक दो तीन। अब अगेन ये जो सेंटर का है इसमें जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ, जो है तीन फंदे सीधे बनेंगे, एक दो तीन। फिर यहाँ जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, दो फंदे सीधे। अब ये जो दो फंदे हैं इन्हें आपने ऐसे दो का एक करना है और ये लास्ट में जाली तीन का एक करना है और जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ, इन दो को उतारा, इसे बनाया और ये जो दो उतारे थे आपने दोनों को इसके ऊपर से ऐसे ले लोगे तो ये हम तीन का एक हो जाना है ऐसे। फिर यहाँ जाली डालनी है और आपकी रिपीटेशन शुरू हो जाएगी, उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। और आप अगर सर्कुलर नीडल से क्योंकि बना रहे हो तो आपकी सीधी जाएगी। चलिए आ गए नाइन्थ लाइन पे। पहला फंदा उतारेंगे, ये दो को आपने दो का एक करना है ऐसे, फिर दो फंदे बनाने हैं। अब जाली डालनी है और चार फंदे सीधे बनेंगे, एक दो तीन चार। फिर इस पे जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, अगेन जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, चार फंदे सीधे, अगेन जाली डालनी है और दो फंदे सीधे। फिर इन दो को आपने दो का एक करना है ऐसे और यहाँ तीन का एक करना है, तो धागा अपनी तरफ, इन दो को हम उतारेंगे, इसे बनाएंगे और दोनों को इसके ऊपर से ऐसे। से ले लेंगे और यहाँ जाली डालेंगे, यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो जाएगी आपकी, उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। अब चलिए आ गए हम इलेवेंथ लाइन पे। फिर वही पहला फंदा उतारूंगी ये ऐसे ही, इसको दो का एक करना आपने ऐसे उतार के, दो फंदे आपने बनाने हैं। अब यहाँ हमने जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करके अब हमारे पांच फंदे सीधे बनेंगे, एक दो तीन चार पांच, ये देखिए। फिर यहाँ आपने जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ और एक फंदा सीधा, अगेन जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच। फिर यहाँ जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ, दो फंदे सीधे,
अब 2 का 1 होगा, और यहाँ पे 3 का 1 जिस तरीके से कर रहे थे वैसे ही करेंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे आपने उतारे, एक फंदा बनाया, और जो 2 फंदे हैं इसको इनके ऊपर से आपने ऐसे ले लेना है। फिर यहाँ जाली डाल के रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। अब उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। अब देखिए आ गए 13th लाइन पे, इस तरीके से बन रहा है, देखेंगे आप ये तो उतरेगा ऐसे ही। अब यहाँ पे आपने फिर वही 2 का 1 करना है। इसे उतारा, 2 का 1 किया, 2 फंदे सीधे बनाए और जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ और 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा सीधा। अगेन यहाँ जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे, और यहाँ 2 का 1 करना है, और यहाँ वही जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, 3 का 1 करना है। 2 फंदे ऐसे उतारेंगे, इसे बनाएंगे, इन 2 फंदों को आपने इसके ऊपर से ले जाना है, और यहाँ जाली के लिए धागा अपनी तरफ, और यहाँ से रिपीटेशन आपकी शुरू। उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। अब आ गए हम 15th लाइन पर। ये तो ऐसे ही उतारोगे, फिर वही 2 का 1 करना है, ऐसे उतार कर 2 फंदे सीधे, अगेन जाली डालनी है। अब 7 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा सीधा, अगेन जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर से जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे। अब यहाँ पे वही 2 का 1 करेंगे, जाली डालनी है और 3 का 1 करना है, ऐसे उतारा, इसे बनाया, अब ये आपने इसके ऊपर से ऐसे ले लिया। फिर जाली डालनी है और रिपीटेशन आपकी शुरू। उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। अब देखिए ये हमारी 15 लाइन पूरी हो गई, इस तरीके से आया अभी आपका, ये देखिएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा अलग शुरू होगा, ये हमारी 17th लाइन है, अब इसमें हम थोड़ा सा अलग करेंगे, ये देखिएगा इस तरीके से आया है। अब देखिए करना क्या है, ये तो ऐसे ही उतारूंगी जैसे उतारे थे, इन 2 फंदों को आपने ऐसे ही 2 का 1 करना है। ये लिया, 2 का 1 किया, फिर 2 फंदे सीधे बनाए। अब यहाँ पे आपने जाली डालनी है, और साथ में हमें इनको भी 2 का 1 करना है, इसे उतार के सीधा करोगे और 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। अब हमारे 13 फंदे सीधे बनेंगे, बीच की जाली नहीं बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ये देखिए अब ये जाली हम जो बीच में बना रहे थे वो नहीं बनाएंगे, तो ये 2 का 1 होगा इस तरीके से। फिर यहाँ जाली डलेगी और 2 फंदे सीधे बनेंगे, अब फिर से 2 का 1 होगा ऐसे, फिर वही जाली डलेगी और 3 का 1 होगा, इसे उतारेंगे, इसे बनाएंगे, और ये दोनों को इसके ऊपर से आपने बंद कर देना है, और यहाँ जाली डाल के आपकी रिपीटेशन जो है शुरू हो जाएगी। अगेन उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। आ गए हम 19th लाइन पर, फिर वही ये उतारने के बाद 2 का 1 करना है जैसे कर रहे थे, इसे उतारा, इसे किया, 2 का 1 किया, 2 फंदे सीधे बनाए आपने, यहाँ जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, और 2 का 1 करना है ऐसे। अब पहले 13 थे, अब 11 फंदे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये
11। अब फिर से इन दो को दो का एक करना है ऐसे, यहाँ जाली डलेगी धागा अपनी तरफ और दो फंदे सीधे बनेंगे, फिर दो का एक होगा और ये वाला जैसे बन रहा था धागा अपनी तरफ करके तीन का एक वैसे ही होगा। ये उतारे दोनों, इसे बनाया और इसको आपने ऐसे ले लिया और यहाँ जाली डाल के रिपीटेशन शुरू, उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। रो नंबर लाइन नंबर 21 में देखिए इस तरीके से आप देखेंगे बन रहा है, ये उतारेंगे। अब यहाँ पे जो है पहला ये उतारूंगी, यहाँ से आपकी जो स्टार्ट हो रही है डिज़ाइन, यहाँ पे हमने जाली डालनी है। तो धागा अपनी तरफ करके आपने जो है इन दो को दो का एक करना है ऐसे उतार के जैसे उतार रहे थे, लेकिन यहाँ पे जाली डालनी है। अब हमने दो का एक किया आपने, फिर दो फंदे सीधे बनाने हैं, अगेन यहाँ जाली डालनी है और दो का एक करना है ऐसे उतार के, फिर नौ फंदे सीधे बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये नौ। अब इन दो को दो का एक होगा, फिर जाली डालनी है धागा अपनी तरफ, अब यहाँ पे दो फंदे सीधे बनाने हैं, अब इन दोनों को दो का एक करना है आपने, अब यहाँ पे आपने धागा अपनी तरफ करके हमें तीन का एक नहीं करना है, तीन फंदे सीधे बनाने हैं, एक दो तीन इस तरीके से। फिर से यहाँ से रिपीटिशन, धागा आगे करके ये आपकी रिपीटिशन शुरू, उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। नंबर 23 में देखिए इस तरीके से बन रहा है। अब ये तो पहला है जैसे उतार रहे थे वैसे उतारेंगे, फिर से यहाँ जाली डालनी है तो धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा बनेगा। अब इन दो को वैसे ही दो का एक करेंगे इस तरीके से उतार के, दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर जाली डालनी है तो धागा अपनी तरफ, दो का एक करना है ऐसे उतार के, दो का एक किया आपने, अब सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात। फिर इन दो को दो का एक किया, जाली डालनी है, दो फंदे सीधे बनाएं, अगेन दो का एक किया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा यानी कि जाली डाली, फिर धागा अपनी तरफ करके तीन का एक करना है, तो इसे उतारेंगे, इसे बनाएंगे और ये जो है इसको आपने इसके ऊपर से ऐसे ले जाना है। फिर वही यहाँ से रिपीटेशन आपकी शुरू, धागा आगे करके ये आपकी रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। अब आ जाइए, उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। नंबर 25 में ये देखिएगा ऐसे बन रहा है, देखिए लाइन नंबर 25 में आएंगे, ये उतारेंगे, अब ये तीन फंदे सीधा बनाएंगे, एक दो और ये तीन, ये दो का एक करना है ऐसे, ये उतार के दो का एक किया, फिर दो फंदे सीधे बनाए, अगेन यहाँ जाली डालनी है और दो फंदों को दो का एक करना है ऐसे, अब पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच, फिर दो फंदे ऐसे दो का एक करेंगे, अगेन जाली डालनी है और दो फंदे सीधे बनाने हैं, फिर दो का एक करना है, अगेन जाली डालनी है और तीन फंदे सीधे बनाने हैं। अब यहाँ पे धागा अपनी तरफ करके जाली डालनी है, एक फंदा सीधा, अगेन धागा अपनी तरफ करके यहाँ से आपकी रिपीटेशन शुरू। अब देखिए मेरे पास एक्चुअल में आप जब राउंड में बनाओगे ऊपर से तो यहाँ पे आपको अपना प्रॉपरली फंदे मिलते हुए जाएंगे, उल्टी लाइन पूरी उल्टी करनी है। लाइन पे देखिए इस तरीके से है, इसमें मैं बता दूं कि फंदे बढ़ते हुए जाएंगे क्योंकि हम ये टॉप डाउन बना रहे हैं, गले से बना रहे हैं। अब 27th लाइन पे आ गए
तो ये उतार के हमने यहाँ पे तीन का एक करना है। तो दो को ऐसे उतारोगे, इसे बनाओगे और इन दोनों को आपने इसके ऊपर से ऐसे उतारना है। ठीक है, आप धागा अपनी तरफ करके बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करके, और फिर जाली डालेंगे और दो का एक करेंगे ऐसे, इस तरीके से। अब दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर जाली डालनी है और दो का एक करना है आपने ऐसे। अब तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर ये दो का एक करना है ऐसे, यहाँ जाली डालनी है, दो फंदे सीधे, फिर दो का एक करना है आपने, अगेन यहाँ जाली डलेगी, एक फंदा सीधा, फिर जाली डलेगी और इन तीन को आपने तीन का एक करना है उसी तरीके से। ये उतारे दोनों, इसे बनाया और इनको आपने इसके ऊपर से ऐसे ले लिया, फिर जाली डालनी है, अगेन तीन का एक करना है, ऐसे उतारा, फिर इसे बनाया और इन दोनों को आपने इसके ऊपर से ऐसे कर देना। फिर यहाँ से जाली से आपकी रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे फंदे थोड़ा बढ़ रहे और यहाँ कम है, क्योंकि ये राउंड में जाएगा तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप जब इसको सर्कुलर निडल में बनाओगे टॉप डाउन तो ये सही बैठेगा, उल्टी लाइन पूरी उल्टी। आपने सर्कुलर में बनाना है तो आप सीधी बनाओगे उसे। लाइन पे ये देखिएगा, आप ये तो ऐसे ही है, यहाँ पे जाली डालनी है तो धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, अगेन जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे सीधे, फिर जाली डालनी है, इसे उतारा, सीधा लिया और इन दो को दो का एक कर दिया, फिर दो फंदे आपने सीधे बनाए, फिर जाली डालनी है, ऐसे उतारा, इसे लिया, दो का एक किया, एक फंदा सीधा, अगेन इन दोनों को आपने ऐसे दो का एक करना है, फिर जाली डालनी है, दो फंदे सीधे, अब ये दो को आपने दो का एक करना है इस तरीके से, फिर जाली डालनी है, तीन फंदे सीधे, फिर जाली डालनी है, एक फंदा सीधा, अगेन जाली डालनी है, तीन फंदे सीधे, और यहाँ से आपकी जाली से रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। ये देखिए, अब आ जाइए नेक्स्ट पे, ये लाइन पूरी उल्टी जाएगी। अब हम 31st लाइन नंबर पे देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा है। चलिए, ये उतार के यहाँ पे जाली डालनी है तो धागा अपनी तरफ, इन तीन फंदों को तीन का एक करना है, ऐसे उतारा, ऐसे बनाया और इन दोनों को आपने इसके ऊपर से ले लिया, फिर धागा अपनी तरफ करनी है, फिर आपने तीन का एक करना है, इन दो को उतारा, इसे बनाया, इन दोनों को आपने ऐसे इसके ऊपर से ले लिया। आप धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, जाली डालिए, फिर धागा अपनी तरफ और इन दो को आपने उतार के दो का एक करना है, फिर दो फंदे सीधे, अब धागा अपनी तरफ, तीन का एक करना है तो उसे आप ऐसे उतार के इस तरीके से तीन का एक कीजिएगा। हो गया, अब धागा अपनी तरफ, दो फंदे सीधे, फिर दो का एक करना है आपने ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, अगेन धागा अपनी तरफ, तीन का एक करना है, ये उतारे दोनों, इसे बनाया, इनको आपने इसके ऊपर से ऐसे ले लिया, फिर धागा अपनी तरफ, तीन का एक करना है, ये उतारे आपने दोनों, इसे बनाया, इनको आपने इसके ऊपर से ऐसे ले लिया, फिर अगेन धागा अपनी तरफ, तीन का एक करना है, ये उतारे आपने दोनों, इसे बनाया, इन दोनों को आपने इसके ऊपर से ऐसे ले लिया। अब यहाँ से तो आपकी रिपीटेशन शुरू है, उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। चलिए आगे लाइन नंबर 33 में, ये देखिए,
अब ये तो ऐसे उतरेगा, तीन फंदे सीधे, यहाँ जाली डालनी है धागा अपनी तरफ, एक फंदा बनाया आपने, अगेन जाली डालनी है धागा अपनी तरफ, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर जाली डालनी है और दो का एक करना है ऐसे उतार के आपने, अब पांच फंदे सीधे, अब यहाँ की जाली बंद हो गई, एक दो तीन चार पाँच, फिर इन दो फंदों को आपने ऐसे दो का एक करना है, यहाँ जाली डालनी है तीन फंदे सीधे, फिर जाली डालनी है एक फंदा सीधा, अगेन जाली डालनी है तीन फंदे सीधे, फिर जाली डालनी है एक फंदा सीधा, और जाली डाल के आपकी रिपीटेशन शुरू है। अब आप देख रहे होंगे, देखिए ये फंदे यहाँ पे बड़े हैं साइड पे, ये इसीलिए क्योंकि ये टॉप डाउन स्वेटर है तो फंदे इसमें बढ़ते हुए जाएंगे, तो इसलिए इतने फंदे हो गए। पहले आप देखे होंगे 14 फंदों से शुरू किया था, फंदे बढ़ गए हैं, तो क्योंकि ये गले से बनने वाला है तो इसमें ऑटोमेटिकली फंदे बढ़ते हुए जा रहे हैं जो आपको चाहिए होते हैं, उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। आ गए 35th लाइन पे, लाइन नंबर 35। अब ये तो ऐसे ही है, ये तीन का आपने तीन का एक करना है, दो उतारे ये बनाया और इन दोनों को इसके ऊपर से ले लिया, फिर धागा अपनी तरफ, फिर तीन का एक करना है, ये दो उतारे इसे बनाया, इनको आपने इसके ऊपर से ले लिया, अगेन जाली तीन का एक, ये दो उतारे इसे बनाया और इन दोनों को इसके ऊपर से ले लिया, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा सीधा, अगेन धागा अपनी तरफ दो का एक करना है, तीन फंदे सीधे बनाने हैं, फिर ऐसे दो का एक करना है, अब जाली डालनी है एक फंदा सीधा, फिर जाली डालनी है तीन का एक करना है, दो उतारोगे एक बनाएंगे और इन दोनों को इसके ऊपर से ले लेंगे, अगेन जाली डालनी है और तीन का एक करना है, ये दो उतारे आपने इसे बनाया और इन दोनों को आपने इसके ऊपर से ऐसे ले लिया, फिर एक बार और करना है, धागा अपनी तरफ, ये दो उतारे इसे बनाया, अगेन इनको आपने इसके ऊपर से लेना है, अगेन तीन का एक करना है, धागा अपनी तरफ, ये दो उतारे इसे बनाया और तीन का एक किया, तो यहां से आपकी रिपीटेशन शुरू है। सेवेंथ लाइन पे ये देखिए, अब ये तो पहला है, जाली डालनी है धागा अपनी तरफ, एक फंदा बनाया, अगेन जाली डालनी है तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर जाली डालनी है एक फंदा सीधा, अगेन जाली डालनी है तीन फंदे सीधे, अगेन जाली डालनी है और दो का एक करना है इस तरीके से, फिर एक फंदा सीधा, दो का एक किया आपने ऐसे, फिर जाली डाली तीन फंदे सीधे, अगेन जाली डाली एक फंदा सीधा, अगेन जाली डाली तीन फंदे सीधे, अगेन जाली डाली एक फंदा सीधा, अगेन जाली डाली तीन फंदे सीधे, और इसके बाद आपकी जो है रिपीटिशन शुरू हो जाएगी, उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। आ गए अब हम लाइन नंबर 39 पे, देखिए ऐसे बनाइए, अब ये तो पहला फंदा है, तीन फंदे सीधे, अब यहाँ पे तीन का एक होगा तो आपने इसे उतारना है, इसे बनाना है और इन दोनों को इसके ऊपर से ऐसे ले जाना है, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, अगेन तीन का एक करना है, ये उतारे दोनों इसे बनाया, इन दोनों को आपने इसके ऊपर से ऐसे ले लिया, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा, अगेन धागा अपनी तरफ करके तीन का एक करना है, तो आप इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं इनको तीन का एक, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा सीधा,
अगेन धागा अपनी तरफ और तीन का एक करना है आपने, तो दो उतारे एक बनाया और इन दोनों को आपने इसके ऊपर से ऐसे ले लिया। फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, अगेन तीन का एक करना है, दो उतारे इसे बनाया, यहाँ पे हम जाली नहीं डाल रहे हैं, ये उतारा, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर से तीन का एक, ये उतारे दोनों, ये बनाया और इन दोनों को आपने ऐसे उतार दिया, तो तीन यहाँ से आपकी जो है रिपीटेशन शुरू हो जाएगी जो हम तीन फंदे सीधे कर रहे थे, इसलिए ये चीज़ आप ध्यान से कीजिएगा। उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी और उसके बाद जो है हमारी ये देखिए आपका इस तरीके से ये डिज़ाइन टॉप डाउन जो स्वेटर्स बनते हैं उसमें बनेगा, ये देखिएगा बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है, इस तरीके से आएगा। तो चलिए फिर आप बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। इसमें मैं एक चीज़ बता दूँगी, देखिए ये फंदे आप देख रहे होंगे इतने बढ़ गए हैं, तो ये ऑटोमेटिक बढ़ेंगे क्योंकि ये टॉप डाउन स्वेटर है, तो उसमें आपको अलग से बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे फंदे आपके बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो है स्वेटर का जो ऊपर का गले में होता है वो डलेगा। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।